वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन पोकर एक्सपर्ट्स। हमने सब समझ गए होंगे आज के मेरी एक शॉर्ट जर्नी होने वाली है दोस्तों, नंबर 2164 चेन्नई टू LTT एक्सप्रेस। चलिए बने रहिए, ट्रेन मेरी आने वाली है, जैसे आएगी फिर आपको आ चुका हूँ। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन एक नंबर पे आने वाली अनाउंसमेंट हो चुकी है, चेन्नई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए आप बने रहिए दोस्तों, देख सकते हो मेरी ट्रेन आ रही है, चेन्नई सेंट्रल LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो दोस्तों आज की जो मेरी कोच है वो है S840 नंबर साइड अपर बर्थ। बैठ चुका हूँ फिलहाल अपने सीट पे, तो मेरी अपर बर्थ है जो नीचे खाली थी, मैं बैठ गया हूँ। अब ट्रेन खुलने वाली है और मैंने लिया है आटा का फेमस वड़ा पाव। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ लिया पुणे स्टेशन पे दो पाव और दो वड़ा 30 रुपये की। चलिए महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव खाते हैं। डिपार्चर हो चुकी है पुणे जंक्शन से, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेन पुणे जंक्शन से खुल चुकी है और दोस्तों पुणे से LTT तक 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी है। पर मैं दोस्तों इस जर्नी को दो पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि इस बीच दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नेचर व्यू है पुणे से दोस्तों कल्याण जंक्शन के बीच, तो मैं उसे पहले पार्ट में कवर करूंगा, पहाड़ झरने टनल और काफ़ी खूबसूरत नेचर व्यू। अगर आप नेचर लवर हो तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को बने रहिएगा और काफ़ी खूबसूरत और मज़ा आने वाला है दोस्तों इस जर्नी को मैं विस्तार से आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो मैं पहला पार्ट को पुणे से लेकर के कल्याण तक कवर करूँगा जो कि दोस्तों खंडाला और लोनावला के बाद खंडाला स्टेशन है। उनके बाद दोस्तों जो नेचर है काफ़ी खूबसूरत है, टनल ही टनल है, पहाड़ है, झरने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर आज तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं पहला पार्ट यहाँ से कल्याण तक कवर करूँगा, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल्स की वीडियो दोस्तों मैं लाता रहता हूँ। बाहर बारिश हो रही है और इनके बाद यहाँ के बाद इनका अगला स्टॉप है दोस्तों कल्याण जंक्शन जो कि पुणे के बाद। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों बारिश हो रही है, अब जोरों की बारिश शुरू हो गई है बाहर।
देख सकते हो चारों चारों तरफ आपको पहाड़ और हरियाली नज़र आ रही होगी पुणे से खुलने के बाद, और बड़े बड़े बिल्डिंग सब भी आपको नज़र आ रहे होंगे पुणे से खुलने के बाद। तो ये आप बने रहिए, अगला स्टॉप दोस्तों कल्याण दर्शनी, और ट्रेन बिना टाइट पर नहीं चल रही है। दोस्तों ट्रेन नूलावला पहुंच रही है, और यहाँ कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है, कोई शायद कोई टेक्निकल स्टॉप हो। अब दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। नूलावला के बाद दोस्तों अब ट्रेन खंडाला आएगी, और खंडाला के बाद आपको और भी काफ़ी खूबसूरत दोस्तों नेचर व्यू आपको देखने को मिलेगा। तब वीडियो पे बने रहिएगा, काफ़ी खूबसूरत टनल, पहाड़, झरने, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तब वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। फिलहाल ट्रेन नूलावला पे खड़ी हो रही है। यहाँ कोई, जैसा मैंने कहा दोस्तों, यहाँ कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है, शायद कोई टेक्निकल स्टॉप हो। तो आप वीडियो पे दोस्तों बने रहिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हेलो, आके रुक गई है, देख सकते हो यहाँ कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है, पता नहीं किसी कारणवश यहाँ खड़ी है, शायद कोई टेक्निकल स्टॉप हो। यहाँ बिल्कुल राइट टर्न ही चल रही है दोस्तों। और पुणे से खुलने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों पहाड़, बिल्डिंग वगैरह, और जस्ट पहाड़ के बगल में आपको हाईवे वगैरह भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था पुणे से खुलने के बाद। चलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी टूर एंड ट्रैवल तो हर प्रकार के वीडियो ब्लॉग में लाता रहता हूँ। चल दोस्तों ट्रेन खंडाला स्टेशन पहुंच रहे, यहाँ भी कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है, फिर यहाँ भी शायद रुकेगी। वैसे तो इधर कोई स्टॉप नहीं है, पर स्पीड से लग रहा है शायद रुकने वाली है, शायद रुकेगी यहाँ भी। बगल में पहाड़ देख सकते हो दोस्तों, जस्ट स्टेशन के बगल में पहाड़ भी है।
तो दोस्तों ट्रेन खंडाला से निकल चुकी है। हालांकि खंडाला में भी कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं थी, बस ऐसे ही रुक गई थी। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं दोस्तों पहाड़। अब दोस्तों यहां के बाद जो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, दिखेगा काफ़ी खूबसूरत नेचर भी आपको, पहाड़ झरने और दोस्तों टनल ही टनल आपको मिलेंगे। तो मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊँगा दोस्तों, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, वाओ ब्यूटीफुल नेचर।
देख सकते हो बस टनल ही टनल है इधर। देख सकते हो दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, पूरा इमेजिंग दोस्तों, मज़ा आ गया। तो क्या नज़ारा है दोस्तों, और पहाड़ से वो आपको पहाड़ पे झरने भी गिर रहे हैं। सर खड़ी हो गया, बारिश शुरू हो गई, आप देख सकते हो बारिश हो रही है, और आप देख सकते हो क्या नेचर है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे ट्रेन खड़ी है, पीछे आपको टनल से भी ट्रेन निकली है, बस टनल के बाहर ही खड़ी है। तो नज़ारा देख सकते हो, वो बादल और बारिश शुरू हो चुकी है, देख सकते हो कस के जोरों की बारिश शुरू हो गई, देख सकते हो दोस्तों जोरों की बारिश, वो पहाड़ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा अभी बारिश में, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, देख सकते हो। वाह दोस्तों ट्रेन खुल चुकी है बारिश में, देख सकते हो नीचे आपको घर दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो बारिश शुरू हो गई है, और बाहर का नज़ारा आपने देखा दोस्तों, बस बैक टू बैक टनल और पहाड़, और साथ में क्या खूबसूरत नज़ारा, साथ में पहाड़ से झरने भी गिर रहे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और खंडाला से खुलने के बाद ही दोस्तों टनल ही टनल थी दोस्तों, लगातार कंटिन्यू आपने वीडियो में देखा दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वैसे मज़ा आएगा दोस्तों नेचर देख के।
करजत स्टेशन है दोस्तों। जैसा मैंने कहा दोस्तों, यहाँ कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है, शायद कोई टेक्निकल स्टॉप हो। करजत स्टेशन है ये, और ये कोई ट्रेन सामने लगी हुई है। ओवरटेक कर रही है सोलापुर भुसावल, सोलापुर भुसावल एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। ट्रेन कल्याण जंक्शन पहुंच रही है, बस पहुंचने वाली है 5-10 मिनट में कल्याण जंक्शन। और ट्रेन अपने आराम से चल रही है खंडाला स्टेशन के पास, अपने उसका टनल, साथ में पहाड़ झरना भी था उसमें दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत देखा जाता है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो के लिए, और चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ट्रेन कल्याण जंक्शन पहुंच रही है। जैसा हमने कहा दोस्तों कि मैं फर्स्ट पार्ट यहीं कल्याण जंक्शन तक ही कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में भी बताया दोस्तों कि पुणे से लेकर के LTT तक 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी थी। पर दोस्तों आप वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, टनल झरने पहाड़ आपको काफ़ी खूबसूरत काफ़ी मज़ा आया होगा दोस्तों। मुझे तो नेचर काफ़ी पसंद है दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आने वाली है मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ट्रेन अब कल्याण जंक्शन घुस रही है, मैं फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करूँगा, और यहाँ के बाद भी दोस्तों जो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा वो भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, कल्याण से लेकर LTT तक।
कल्याण जंक्शन पे खड़ी है, स्टेशन कोड KYN। यहाँ कुल 8 प्लेटफॉर्म है, इंटरनल पे जोन से ऑपरेट करती है और डिवीजन है मुंबई सेंट्रल। और यहाँ ट्रेन का 2-3 मिनट का स्टॉप है, इसलिए मैं नीचे नहीं गया। फिलहाल ट्रेन कल्याण जंक्शन पे खड़ी है। ये है कल्याण जंक्शन। कल्याण के बाद जिनका अगला स्टॉप है थाने, थाने के बाद है अल्टीट्यूड। कल्याण जंक्शन पे भी बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो बारिश हो रही है उधर कितनी।